अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे मामू, छोटे मामू हैं, मामू अदनान। उन्होंने हमें फ्रेश अपनी ज़मीनों से धनिया और पुदीना भेजा है। ये स्पेशल पुदीना है, देसी, जो मेडिसिन में भी काम आता है। और मैंने इसमें देखा है और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इसमें ना ये जड़े भी हैं, मिट्टी भी है, जड़े भी हैं। तो ये जो है, ये वाला मैं जड़ों वाला अपने गमले में शिफ्ट कर लूँगी, और बाकी ये जो बाकी सारा इतना सारा है, इसको धो के, इसकी मिट्टी निकाल के, इसको खुश करके रख लेंगे, फिर गर्मियों में काम आए। पुदीना धुल के तैयार हो गया, बिल्कुल फ्रेश, कोई मिट्टी नहीं है, कोई गंद नहीं है इसमें। इस पानी से आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना गंदा था। इसके नीचे पानी की तह में बहुत ज़्यादा मिट्टी है। ठीक, इस पानी को हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसको सुबह या कल दोपहर में हम अपने बाकी प्लांट्स में डालेंगे। ये उनके लिए बहुत एनर्जी का काम देगा। ठीक, और जो जड़ों वाला पुदीना था, जिसके साथ जड़े थी और थोड़ी मिट्टी थी, उसको हमने इन पॉट्स में लगा लिया है। ठीक है, इसमें पानी में लगाया है और इसमें सॉल्ट, मिट्टी में, सेंट में। ठीक, अब जब ये खुश्क हो जाएगा, और वो पीछे वाला जब खुश्क हो जाएगा, आगे वाला जब जड़े पकड़ लेगा, फिर हम आपको दिखाएंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, यूनिक मामा में हम आपको वेलकम करते हैं। हमने आपको पुदीने का बताया था। ये हमारा पुदीना ड्राई हो गया है, इसको हमने, बारिशों का मौसम है, इतनी जल्दी ड्राई नहीं हुआ, तो इसको हमने चूल्हे के नीचे रख के इस ट्रे को हमने ड्राई कर लिया है, ग्राइंड कर लिया है। साथ ये पिंक सॉल्ट है, प्लीज़ आप ये यूज़ करें, और आयोडीन को छोड़ दें और दूसरे नमक छोड़ दें, बस आप ये वाला यूज़ करें। ठीक है, ये हमारी ग्रीन चटनी है। इसमें थोड़ा सा हमने ऑयल शामिल किया है ताकि ये देर तक फ्रेश रहे। और ये हमारे प्लांट्स हैं, मिंट्स के, पुदीने के। ठीक, इसमें से हम काफ़ी इस्तेमाल करते हैं तोड़ के, और ये फिर दोबारा बढ़ जाते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। शेयर करें, और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो देखें। ओके, यूनिक मामा में अल्लाह हाफिज़।